Hey guys, assalamu alaikum, namaskar, what's up, welcome back to my channel. My name is Simran Khan, hope you are doing well. So guys, आज का जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो फेशियल हेयर रिमूवल के लिए है कि फेस के हेयर्स को हम कैसे रिमूव करें एंड आजकल जो चल रहा है ना कि रेजर से जो लोग करते हैं तो वो सही है या नहीं है, तो उस चीज़ पे मैंने ये वीडियो बनाया है. आई जस्ट होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा. एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलिए, ताकि जो भी मैं न्यू अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल जाए. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि फेस के जो हेयर्स हैं आप उसे पार्लर में कहीं या सैलून में जाके उसे वैसे भी निकलवा सकते हैं. एक तो ये थ्रेड से भी निकलता है एंड सेकेंड आप इसे वैक्स भी, फेस वैक्स जो होता है ब्राज़ीलियन वैक्स, वो भी करवा के आप निकलवा सकते हैं. बट कई लोगों की ना स्किन इतनी सेंसिटिव होती है ना कि ब्राज़ीलियन वैक्स देखना आपने नोटिस किया होगा कि करवाते हैं ना तो यहाँ इस एरिया में ना छिल सा जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है और हमारे जो स्किन है वो ब्लैक सी हो जाती है. तो मतलब कोई मतलब नहीं है कि आप अगर सेंसिटिव स्किन वाले हैं तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप कभी भी वैक्स करवाएं. सो प्लीज़ आप अवॉइड करिएगा. और जो फेस रेजर जो आजकल चल रहा है तो आप इसे कर सकते हैं गाइस, अगर आप इसका जो स्किन केयर जो पूरा प्रॉपर रूटीन से जो इस प्रोसेस को किया जाता है अगर आप उस तरीके से इस चीज़ को करते हो तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी. मैं कैसे फेस रेजर यूज़ करती हूँ इसका पूरा वीडियो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी. आई जस्ट होप आप लोगों को ये मेरा जो वीडियो है थोड़ा कुछ अलग लगे. और अगर आप बिज़ी ना भी हो तो कुछ कुछ चीज़ें आप मेरे वीडियो से स्किप करके भी आप नॉर्मली फेस रेजर यूज़ कर सकते हैं. एंड गाइस, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ. मैंने एक बार फेशियल सैलून में जाके अपना फेस वैक्स कराया था तो पूरा मेरा जो स्किन है ना वो बहुत छिल सा गया था. मेरे पास वो एक भी फ़ोटो नहीं है क्योंकि वो मेरे ख्याल से मे बी 2015 की बात है. तब से मैं कभी भी फेस वैक्स नहीं कराती और किसी को सजेस्ट भी नहीं करती. सो मैं खुद पर्सनली 2 साल से दो साल से फेस रेजर ही यूज़ कर रही हूँ. अभी तक उसको यूज़ करने से मुझे कभी भी कटिंग ब्लीडिंग जो बोलते हैं लोग आजकल की, ब्लीड होने लगता है, कटिंग्स हो जाते हैं एंड उसको करने से पिंपल हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आप सही रूटीन सही तरीका फॉलो कर रहे हो तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा. मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती. एंड हाँ, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो देख के एकदम ऐसा नहीं कि हम कर ही लेते हैं, आप खुद सोचिएगा, आप अपने मन से करिएगा, किसी के प्रेशर में आके या मेरा वीडियो देख के प्रेशर में आके प्लीज़ आप इसे मत करिएगा. अगर आपको सही लगे तभी आप इसे इस रूटीन को फॉलो करिएगा. हाँ, एंड मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि जिसकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, उस स्किन वाले लोगों को इसे अवॉइड करना है. एंड जिसकी स्किन पे बहुत सारे एक्ने हो जाते हैं ना, मतलब भरे से, तो वो लोग प्लीज़ इसे ट्राई ना करें. तो भी आप देख सकते हैं मेरे फेस पे कुछ इस टाइप से हेयर है. शायद कैमरा में माफी कर रहा हूँ बट बहुत ही ज़्यादा मेरे फेस पे हेयर्स हो चुके हैं. एंड जिस चीज़ से मैं रिमूव करने वाली हूँ वो ये है. इसमें आपको एक कैप मिलती है एंड ये ना कुछ इस टाइप से है. इसका जो ब्लेड है ना उसमें कुछ सिर्फ ग्रिप बनी हुई है ताकि आपकी स्किन जो है ना वो कटे ना. आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से. और मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि कई लोगों के दिमाग में है कि पिंक, रेड, ये जो येलो, ये जो मिलता है ये अच्छा नहीं है. ऐसा नहीं है गाइस, आप किसी की भी कंपनी को ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन आजकल ले रहे हो ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट सही नहीं आते हैं. तो आप इस चीज़ को ना शॉप से जाके ले सकते हो, क्योंकि ये जो है ना ये ग्रिप वाला, इससे आपकी कहीं पे भी स्किन कटेगी नहीं. और जो ऑनलाइन आजकल आता है ना वो एकदम प्लेन ब्लेड जैसा रहता है, उससे आपकी स्किन ना थोड़ी सी छिल सी जाती है. तो कभी भी आप कहीं से भी अगर आपको जो भी अवेलेबल हो रहा, क्या होता है ना कई कई बार आपको तुरंत चाहिए रहता है और आप ऑनलाइन मंगाओगे तो 7 डेज का वेट नहीं कर सकते. तो आप शॉप पर जाके तुरंत कहीं से भी ना इस टाइप ग्रिप वाला लीजिएगा ना तो आपके कभी भी फेस नहीं कटेंगे. मैं खुद पर्सनल वे में 2 साल से यही यूज़ कर रही हूँ गाइस, अभी तक मुझे ऐसा कोई भी शिकायत नहीं आया है. आप पहले से हैंड में ट्राई करिएगा, अगर आपको हैंड में कुछ ऐसा लग रहा है तभी आप फेस पे ट्राई करिएगा, वरना मत करिएगा. प्लीज़ मेरा वीडियो देख के आप ये चीज़ ट्राई मत करिएगा, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ. पर्सनली मैंने कह दिया है, सजेस्ट कर दिया है कि आप लोगों को ये करना है या नहीं. पहले मेरे वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद अगर आप लोगों को सही लगे तभी ये टिप्स आप फॉलो करिएगा.
सो बिना देर के मेरे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि मैं फेस रेजर कैसे यूज़ करती हूँ। एंड इसका डायरेक्शन पूरा परफेक्ट होना चाहिए, तभी आपका फेस रेजर जो आप कर रहे हो वो सही दिखेगा। सो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, फर्स्ट आपको फेस वॉश कर लेना है। मैंने फेस को वॉश कर लिया है। एंड नेक्स्ट मैं अब अरोमा मैजिक का क्लिनजर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी क्लिनजर यूज़ कर सकते हैं। आप फेस हेयर रिमूव करने से पहले ज़रूर ये जो टिप्स मैंने बताए हैं उसे फॉलो करें, तभी आपको कोई भी प्रॉब्लम और साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। तो आप जिस तरीके से क्लिनजर अपने पूरे फेस पे अच्छे से 2 मिनट तक मसाज कर लेनी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो भी प्लीज़ आप अपना 2 मिनट निकाल के ज़रूर ये टिप्स को फॉलो करें। देन आपको उसको मैं टिश्यू या फिर कॉटन पैड से तो पहले अच्छे से पोंछ लेंगे, क्लीन कर लेंगे। उसके बाद आपको फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। मैं वॉश करके आती हूँ। सो गाइस, मैंने फेस को वॉश कर लिया है। एंड सेकंड प्रोसीजर है मेरा स्टीम। आपको फेशियल हेयर रिमूवर यूज़ करने से पहले क्लेंजर एंड स्टीम लेना इसलिए ज़रूरी है। स्टीम के 3 बेनिफिट्स हैं। फर्स्टली आपकी स्किन जो होती है ना वो मोस्टली स्किन जो होती है ना वो थोड़ी मॉइस्चराइज हो जाती है। और सेकंड, आपके स्टीम लेने से ओपन पोर्स ओपन हो जाते हैं। एंड थर्ड, आपके जो फेशियल जो हेयर्स हैं ये सारे ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। तब आप वो रेजर ऐसे डायरेक्शन में चलाओगे ना वो स्मूथली काम डाउन निकलेंगे और कुछ भी इसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे। और आप साइड इफेक्ट से बचने के लिए आप इन सब प्रोसेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्लीज़ आप इसे ट्राई ज़रूर करिए और आप बताइएगा कि आपको क्या रिजल्ट है। क्या होता है ना, हम रेजर यूज़ कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है कि रेजर बहुत हार्ड होता है, हमारी स्किन को हार्ड कर देगा, ड्राई कर देगा। इसलिए अगर आप ये सारे स्किन केयर टिप्स को प्रॉपर फॉलो करते हो ना तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। सो नॉर्मल आप स्टीम को स्किप भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। आप नॉर्मल फेस रेजर यूज़ करना है तो क्लींजिंग ज़रूर करें ताकि आपकी जो स्किन पे डर्ट पॉल्यूशन जो भी लगा है वो निकल जाए, स्किन थोड़ी सी प्रिपेयर हो जाए उस चीज़ के लिए। एंड सेकेंड, आप एलोवेरा जेल या फिर मॉइस्चराइजर या फिर फेशियल ऑयल कुछ भी इस पर अप्लाई करके उसके बाद ही आप फेस रेजर को यूज़ करेंगे। डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन है ना थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, थोड़ी सी कहते हैं ना स्किन में कुछ टेक्स्चर का निकलने लगता है तो वैसा हो जाएगा। तो प्लीज़ आप उस टाइप से ट्राई मत करिए। सो 2 मिनट तक मैं स्टीम लूँगी। कोई भी आपको मतलब कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी स्किन हार्म हो जाएगी या कुछ भी हो जाएगी। तो आप अगर ये सारे टिप्स फॉलो करते हो तो कुछ भी आपको साइड इफेक्ट नज़र नहीं आएंगे। एंड थर्ड जो स्टेप है वो है टोनिंग। टोनिंग करने से क्या होता है ना, हमारे पीएच बैलेंस मेंटेन रहते हैं। तो मीन क्या है ना, हम रेजर यूज़ कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हमारे फेस में कुछ हो ना जाए। तो फेस के प्रिकॉशन के लिए आप ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप ये सारी चीज़ यूज़ करेंगे तो आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगी। आप फेशियल टोनर भी यूज कर सकते हैं गाइस। मैं यहाँ पे पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। आप चाहें तो एलोवेरा जेल या फिर फेशियल ऑयल जो है आपके पास वो आप यूज कर सकते हो। मॉइस्चराइजर लगा कि इसको एकदम ड्राई नहीं होने देना है, इसे वैक्स में ही आपको फेशियल रिजर्व को यूज करना है। सो
गाइस आपको रेजर को ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में ऐसे पुश करते हुए लेके आना है। आपका डायरेक्शन जो है वो ऊपर से नीचे की ओर होगा। आप फेस के किसी भी एरिया पे इस चीज़ को करते हो तो आपका डायरेक्शन जो है ऊपर से नीचे की ओर आपको इसे पुश करते हुए लेके आना है। सॉरी मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि मेरा वीडियो बहुत ही लंबा हो गया था, सो इसलिए आप फिर भी मैं थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आपको एकदम स्मूथली एकदम बहुत ही इजी से ये अच्छे से निकल जाता है। धीरे धीरे आपको अपने चिन एरिया पे, चिक्स पे, अपर लिप्स पे, फोरहेड पे आपको ऐसे इसी डायरेक्शन में आपको इस रेज़र को यूज़ करना है। एंड पिंपल पे गाइस आपको बहुत ही स्लोली करना है क्योंकि पिंपल्स पे अगर आप इसे करेंगे तो थोड़ा मेरे ख्याल से पिंपल्स थोड़े हार्म हो जाते हैं, तो आपको पिंपल वाले एरिया पे बहुत ही धीरे धीरे करना है। सी आप देख सकते हैं उसके सेम आपको इसे अपने अपर लिप्स पे भी सेम उसी डायरेक्शन में आपको इसे चलाना है, ऊपर से नीचे की ओर आपको इसे पुश करते जाना है। और बहुत ही इजी है ना, हल्का स्मूथली आप इसे पकड़ना है ताकि आपके फेस पे कहीं पे भी हार्म ना हो। जितना इजीली आप स्मूथली इसे करेंगे ना गाइस आपके फेस पे कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। एंड आप कभी भी फेस रेजर यूज़ कर रहे हैं ना तो आप ज़रूर अपना फेस सिर्फ टच करके फील करके दिखेगा, आपको बहुत ही सॉफ्ट फील होगा, एकदम क्लियर स्किन दिखती है आपकी एंड बहुत ही फेस आपका शाइन करने लगता है। और मेकअप करेंगे आप फेस रेजर के बाद तो आप मेकअप में डिफरेंस ज़रूर दिखेगा, और मुझे बताइएगा कि आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है। तो सेम आपको अपने फॉरहेड पे भी करना है। आप इससे अपने आईब्रो के भी हेयर्स निकाल सकते हैं, मैंने इसलिए नहीं निकाले क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने थ्रेडिंग कराई हुई थी। सेम नोज पे भी आपको इसी डायरेक्शन में चलाना है, बहुत ही हल्का हल्का ही इसे पुश करते जाना है गाइस। सो मेरा फेस रेजर कंप्लीट हो चुका है एंड अब हमें अपने फेस को नॉर्मल वाटर से आपको क्लीन करना है, तो मैं क्लीन करके आती हूँ उसके बाद बताती हूँ कि आपको क्या करना है। तो मैं फेस को वॉश करके आ गई हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं मेरा स्किन काफ़ी फ्लॉलेस स्मूथ फील हो रहा है, कुछ भी मुझे से जो होती है ना थोड़ी सी दरदराहट टाइप की कुछ फीलिंग्स होती है वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। रिप्स बने रहते हैं ताकि आपके फेस पे कुछ कट्स ना आए, मैंने आपके सामने किए कोई भी कट्स नहीं आए गाइस, आप देख सकते हैं कहीं पे भी कोई कट के निशान नहीं है। बहुत ही ईजी एंड हैंडली क्या मेन क्या है ना, आपके जो पकड़ने का टेक्निक होता है ना, अगर आप उस वे में पकड़ोगे तो कभी भी आपको आपके फेस पे कट्स नहीं आ सकते, नहीं आपको ये रेज़र हार्म पहुंचा सकता है। एंड प्लीज़ ऑनलाइन तो प्लीज़ आप बाय मत करिएगा, आप शॉप से ले लीजिएगा। ये मैंने यहीं लोकल शॉप से लिया था, 200 का था, ये 3 पीस मिले थे मुझे, बहुत ही अच्छा है। अभी फ़िलहाल मेरे पास ये था तो मैंने सोचा बहुत दिन से कुछ मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है तो मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए स्किन केयर वीडियो अपलोड कर देती हूँ। आई जस्ट होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो एंड उसके बाद आप लोगों को अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगा लेना है। फेस को जितना मॉइस्चराइज रखेंगे ना वो फेस उतना ही अच्छा रहेगा। कोई भी फेशियल ऑयल या मॉइस्चराइज़र आप उसे ज़रूर लगा लीजिए। सो गाइस अब जो भी आप लोगों के सामने है आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। आई जस्ट होप आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आप ये सारे टिप्स फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन पे कोई भी पिंपल्स या कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा एंड लाइक करिएगा एंड बहुत ही फ्री है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो प्लीज़ गाइस मिलते हैं फिर से मेरे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए लेके आऊँगी मैं। सो बाय गाइस, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।